बढ़ते जाएगा, यहीं पे बैठे रहेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं है। 3 दिन का है तो शायद हो सके तो ये बढ़ जाए, 1 सप्ताह का हो जाए। सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्यों धरना पर बैठे हैं। क्या है आप लोगों की मांग? हम बस यही चाहते हैं कि 7वें चरण की विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, क्योंकि हमने डीएलएड किया है, सीटेट किया है, किस लिए? शिक्षक बनने के लिए ना। तो हमारी मांगे बस यही है कि आप जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करें। यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे क्या होगा? हम लोग का धरना ऐसे ही बढ़ते जाएगा, यहीं पे बैठे रहेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं है। 3 दिन का है तो शायद हो सके तो ये बढ़ जाए, 1 सप्ताह का हो जाए। 1 सप्ताह तक अभी धरना प्रदर्शन जारी ही रहेगा। जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग भी यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं, यहीं बैठे रहेंगे। क्या है आप लोगों की मांग, क्या है धरना पे बैठी है? हम लोगों की मांग है कि 7th फेज नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करके 7th फेज पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द ऑनलाइन प्रक्रिया से डोमिसाइल लागू करके जल्द से जल्द जारी करें। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं। यदि सरकार बात नहीं सुनती है या सरकार की जो अधिकारी हैं वो बात नहीं सुनते हैं तो लगातार इन लोगों की धरना प्रदर्शन जारी रहेगी। और भी लोग हैं, उनसे बातें करेंगे। क्या है आप लोगों की मांग? सर, हम लोग की मांग है कि 7वीं चरण पूरी नोटिफिकेशन निकाल दे, क्योंकि सरकार हम लोग के आश्वासन पर आश्वासन देती जा रही है, नोटिफिकेशन नहीं निकालती है। अगस्त मार्च आती है तो बोलते हैं कि अगस्त में नोटिफिकेशन देंगे, अगस्त आती है तो मार्च में देंगे, लेकिन देंगे कब ये पता नहीं है। हम लोग को लिखित रूप में चाहिए, आश्वासन हमको नहीं चाहिए। आश्वासन सुनते सुनते हम लोग कान पक गए। सर, हम लोग अब शर्म के मारे हम लोग गांव में नहीं जाना चाहते हैं। सरकार क्यों नहीं हम लोग की दुख दर्द समझती? अगर सरकार मेरी मांगे पूरी नहीं करेगी तो निश्चित काल हड़ताल करेंगे। तो आपने सुना स्पष्ट रूप से, जो यहाँ पे उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं इनकी मांगे सरकार के द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो ये अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और ये सड़कों पर भी अपना प्रदर्शन करेंगे। डीटीवी भारत के लिए धीरेंद्र कुमार, पटना। सातवें चरण शिक्षकों की बहाली संपूर्ण जल्द करो।